नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आप लोगों को जो वीडियो हम दिखाने वाले हैं ये भटगांव सोनीपत की वीडियो है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एक लंबे समय से इस वीडियो की लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है। और हमारे एक साथी हैं जो काफ़ी समय से जानना चाहते हैं कि भटगांव में जो चहलकदमी है, जो लगातार व्यक्ति आ रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, कुछ गांव के व्यक्ति ज़मीन बेच रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण और ज़मीन इतनी महंगी भटगांव में क्यों हो गई है। तो सबसे पहले भटगांव को जान लेते हैं। ये सोनीपत जिले का एक गाँव है और यहाँ की वर्तमान परिस्थिति को पहले जान लेते हैं। यहाँ का ब्लॉक तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भटगांव में ग्राम पंचायत, मतलब यहाँ के 2011 की जनगणना के अनुसार तक यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं, यहाँ पर सरपंच चुने जाते हैं। और यहाँ पर बात करें 13 किलोमीटर सोनीपत से दूरी पर भटगांव पड़ता है। भौगोलिक अक्षेत्र की अगर भटगांव की बात करें तो 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन भटगांव के पास है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 6789 यहाँ की कुल आबादी है, जिनमें पुरुषों की संख्या की बात करें तो 3699 और महिलाओं की अगर संख्या की बात करें तो 3090 यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। अगर भटगांव की लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट 65.96% है, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 74.78% 74.78% और महिलाओं का लिटरेसी रेट 55.40% है 55.40%। यहाँ पर कुल घरों की बात करें तो 1376 यहाँ पर कुल घर थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और पिन कोड की अगर बात करें तो 131022 यहाँ का पिन कोड है। भटगांव के अंदर बात करें तो बीते समय आज से कई दशकों पहले रूस के प्रधानमंत्री भी आए थे, जिसके बाद भटगांव में कुछ प्रोग्रेस हुई थी। जो जैसे कहीं पर भी कोई आता है, अगर आज उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके आपका कोई विकसित गांव नहीं है और आपके गांव में मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर आते हैं तो आपके गाँव में एक ही दिन में कायापलट हो जाती है। ऐसा ही उस समय रूसी प्रधानमंत्री के आने के समय में हुआ था। सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पर, अब बात करते हैं असली मुद्दे की, मेजर इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है। मेजर इकोनॉमी एक्टिविटी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो किसी भी मास्टर प्लान से भिन्न होती हैं। पहले जान लीजिए भटगांव का कोई सेपरेट मास्टर प्लान नहीं है, किसी खास मास्टर प्लान के अधीन भटगांव नहीं आता है। पर भटगांव एक जो जोन होता है वो सोनीपत जोन के अंदर आता है। लेकिन मास्टर प्लान जैसे खरखोदा का मैंने बताया, सोनीपत का मैंने बताया, रोहतक का मैंने बताया, अलग अलग एरिया के मैं मास्टर प्लान आप लोगों को बता चुका हूँ। उन मास्टर प्लान से हटकर भटगांव का मास्टर प्लान है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मास्टर प्लान नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इस एरिया में आने वाली है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। उन कारणों पर अगर हम ध्यान दें तो मेजर इकोनॉमी एक्टिविटी मैंने जो इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर ऐसी लगातार गतिविधियाँ हो रही हैं जो इस क्षेत्र की आर्थिक हालात को आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। नंबर दो पॉइंट पर बात करते हैं, जमीन रेट 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का। क्यों आप सोच रहे होंगे बगैर मास्टर प्लान का गांव है, यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं है, कई एरिया क्या होते हैं बगैर मास्टर प्लान के डेवलप हो जाते हैं। उनके पीछे का क्या कारण होता है, मास्टर प्लान वाले एरिया में जमीन महंगी होती है अपेक्षाकृत बगैर मास्टर प्लान वाले एरिया से। हाँ, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें मास्टर प्लान से महंगी जमीन हो जाती है बगैर मास्टर प्लान के भी। लेकिन भटगांव में क्या है, यहाँ पर कुछ शांतिप्रिय माहौल है, अभी आसपास में चारों तरफ का एरिया डेवलप हो जाएगा, भटगांव के बीच में रहेगा। भटगांव प्रोग्रेस जो आएगी, जमीन के रेट 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का होने के पीछे का क्या कारण है, यहाँ पर अभी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा बगैर मास्टर प्लान के भी भटगांव एक डेवलप्ड एरिया से कम नहीं रहेगा। नंबर तीन पॉइंट, सोनीपत सेक्टर के नज़दीक लगता एरिया, सोनीपत सेक्टर से ज़्यादा दूरी पर यह नहीं पड़ता है। अगर बात करें सोनीपत का सेक्टर का एरिया बिल्कुल भटगांव के नज़दीकी में पड़ता है।
इतना दूर भी नहीं कह सकते और इतना नज़दीक भी नहीं कह सकते। तो ये प्रोग्रेस सोनीपत सेक्टर भी भटगांव को काफ़ी ज़्यादा लेकर आएगा, क्योंकि मास्टर प्लान जो सोनीपत है उसके अधीन भटगांव तक का तो नहीं कह सकते, लेकिन सोनीपत का ज़्यादातर एरिया कवर हो जाएगा। भटगांव जैसे कुछ गाँव बच जाएंगे, उनकी ज़मीन महंगी बहुत हो जाएगी आने वाले समय में। मास्टर प्लान कोई नहीं है, बगैर मास्टर प्लान के भी बहुत सारी कंपनियां। अब बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जमीन के रेट जब बढ़ जाते हैं तो CLU ली जाती है, चेंज ऑफ लैंड यूज इसे बोला जाता है। CLU लगभग हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट में ली जाती है। CLU झज्जर की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, जल्द सोनीपत की रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो CLU चेंज फॉर लैंड यूज का मतलब भटगांव के क्षेत्र में ऐसा पहले हो चुका है, CLU ली जा चुकी है, उससे जमीन के रेट में भी महंगा हो जाता है, क्योंकि उसके उस एरिया की जमीन का रेट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। क्योंकि एक कृषि योग्य भूमि को जब आप कमर्शियल या अन्य किसी यूज में लेना चाहते हैं तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर, कुछ फीस जमा करके, कुछ कानून कागजी कार्रवाई करके कृषि योग्य भूमि को और किसी यूज के लिए प्रयोग में लाते हैं तो CLU ली जाती है, ऐसा यहाँ पर हो चुका है। इससे यहाँ के जमीन के रेट में भी उछाल आने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं प्लॉट रेट की। भटगांव में गांव का जो एरिया है वहाँ पर प्लॉट रेट की बात करें तो 12,000 से लेकर 17,000 रुपये गज तक का प्लॉट का रेट आपको मिल जाता है। बिल्कुल अंदर गली में लोगे तो आपको 6,000 का भी मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप बेहतरीन सी थोड़ी अच्छी जगह है, थोड़ा चौड़ा रोड, मतलब मैन गली पर लेंगे तो आपको 12,000 से 17,000 का मिल जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 5,000 मिल रहा है भटगांव में, तो भाई अंदर गली के अंदर आप लोगे तो 5,000 ही मिलेगा वहाँ। तो मैं तो कोई ऐसी जगह का बता रहा हूँ जहाँ पर ठीक रोड हो, जहाँ से एक ट्रक क्रॉस हो जाए, ऐसी जगह का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल रेट नहीं होता, अनुमानित रेट होता है आसपास का, इससे थोड़ा ऊपर चला जाए। आज मैं बता रहा हूँ, कल को रेट 20,000 हो जाए, आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि 20,000। जब आप वीडियो की डेट भी देखा करो साथ में कि कब वीडियो पब्लिश हुई है। अब बात करते हैं जमीन का रेट। वैसे तो भटगांव में जमीन का रेट 40,00,000 से 70,00,000 का भी है। अब समझेंगे कैसे, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जमीन पीछे की साइड में हो जाती है, मतलब जमीन गांव के बैक साइड में है, पानी नहीं है, बंजर जमीन है, कुछ होता नहीं है, अच्छा रोड नहीं है, दूसरे खेतों को क्रॉस करके जमीन तक पहुँचना पड़ता है, तो वहाँ पर जमीन का रेट 40,00,000 से 70,00,000 का आपको मिल जाता है। अगर मैन की बात करें तो मैंने आपको बताया 1 करोड़ से 3 करोड़ का भी प्रति एकड़ का रेट है। ऐसे ऐसे भटगांव में जमीन का रेट वर्तमान में चला हुआ है। गांव में अगर आप जाएंगे ऑफिशियली मैन रोड से लगती जमीन आप देखेंगे तो आपको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का रेट मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा रेट है। लेकिन कोई कंपनियों के थ्रू CLU वाली जमीन आप खरीदें तो 3 से 4 करोड़ भी मिल सकता है, उससे भी कुछ महंगा हो सकता है। तो भटगांव की प्रोग्रेस बगैर किसी मास्टर प्लान के आने वाली है। ये जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किए, कई दिन की रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भटगांव जो होगा बगैर मास्टर प्लान के सेल्फ डेवलपमेंट गांव होगा, आने वाले समय में गांव से शहर भी बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जमीन का जो रेट यहां पर बढ़ा हुआ है, लगातार इंडस्ट्रियल जो प्लॉट्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो भटगांव में रुचि ले रहे हैं जमीन खरीदने में, इन फ्यूचर वहाँ पर प्लांट लगाने की पूरी पूरी इच्छा उनकी है। तो साफ साफ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, भटगांव में ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स जमीन खरीदने के लिए जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और CLU तक ली जा चुकी है। तो आने वाले समय में भटगांव का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है बगैर किसी मास्टर प्लान के। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देने का जरूर काम कीजिए। और साथ में जो साथी बार बार भटगांव की रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपकी रिक्वेस्ट पर यह रिक्वेस्टेड वीडियो हमने बनाने का काम किया, तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।